हेलो गाइस, वेलकम टू रेगिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस Q&A के एपिसोड नंबर 76 में आप सभी का स्वागत है। जिस कुमार सुबह में यहाँ पर मैंने कॉमेडी पोस्ट करा था और आप में से बहुत सारे लोग ने यहाँ पर धमाकेदार क्वेश्चन पूछ लिए, तो आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर बहुत ही ऑनेस्टली देने वाला हूँ। तो उसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत अगर नॉइज आ जाती है तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज नीचे कुछ खेल रहे बच्चे लोग, तो लोग को मना तो नहीं कर सकते। संडे का दिन है तो भाई सभी इंजॉय करते हैं और आप भी यहाँ पर ये क्यूने वीडियो के साथ में इंजॉय कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर SR ट्रैकिंग बोलते हैं, भाई 12K में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बताओ, बैटरी कैमरा बेस्ट परफॉर्मेंस कमेंट जरूर पिक कर लेना। लव यू फ्रॉम दुर्गापुर, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। मैं आपको बोलूंगा 12,000 का बजट है, 1,000 आप बढ़ा दो। HDFC के कार्ड से आप Realme 3 Pro को अगर परचेस करते हो 13,000 की प्राइस पॉइंट पर मिलेगा और 13,000 में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, अनबीटेबल है। Realme 3 Pro के साथ में आप जा सकते हो 13,000 में, HDFC के कार्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नारी रोटी बोलते हैं, भाई Mi A3 चाइना में कब लॉन्च होगा और इंडिया में कब लॉन्च होगा? तो यार आपको मई के एंड में देखने को मिल सकता है। साथ में ये बोल रहे हैं भाभी कैसे है, उनका नेम फर्स्ट लेटर बता दो प्लीज, बुरा मत मानना, ए से स्टार्ट होता है भाई, बुरा मानने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रतीक वंगमी बोलते हैं, भाई Realme C2 16GB वाले वेरिएंट कितना यूजेज स्टोरेज मिलेगा? तो आपको 8 से 8.5 GB के आसपास आपको 16GB वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नीलेश माधे बोलते हैं, कैसे हो भाई? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। साथ में ये बोले भाई ऑनर और लेनोवो के फोन कहाँ छुप कर बैठे हैं? क्या इंडिया में इन कंपनियों का बजट सेगमेंट का फोन हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा क्या? डेफिनेटली ऑनर का तो पता है भाई, आपको मई जून में बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले, लेकिन लेनोवो क्या कर रहा पता नहीं, चाइना के लिए आप पूरा प्यार है, इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करते। साथ में पूछ रहे Zenfone Max Pro M3 इंडिया में कब तक आ सकता है, बताना जरूर, लव यू। देखो Zenfone Max Pro M3 की अगर हम बात करें तो यार अभी जल्दी तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि M2 यार कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन यार इतना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है तो हो सकता है कि भाई Asus जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दे। अब भाई पता नहीं, जैसे ही मेरे पास कोई भी लीक्स एंड रूमर्स या जो भी न्यूज़ आती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता 1-2 महीने के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, 2 महीने के बाद ही डेफिनेटली आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अर्नव दे बोलते हैं, भाई Mi A3 का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, बिल्ड क्वालिटी डिफरेंस होगा क्या उसके प्रीवियस मॉडल से? Mi A3 का प्राइस आप पकड़ के चल सकते हो 16 से 17,000 की प्राइस पॉइंट पर रहने वाला है। बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली इंप्रूव होगा, ये बार आपको फ्रंट में और बैक में ग्लास देखने को मिलेगा, मेटल वाली बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। और साथ में ये बेसिकली इनका कहने का पूरा मतलब ये है कि Redmi Note 7 Pro इनको परचेस करना था, फिर Realme 3 Pro आ गया, Realme 3 Pro परचेस करना है तो Mi A3 की लीक्स आ गई, तो भाई वेट करें कि कौन सा ले। तो मैं आपको बोलूंगा भाई ऐसा वेट करते रहोगे तो Mi A3 आएगा, फिर नया डिवाइस की लीक आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप Realme 3 Pro के साथ में जा सकते हो, जबरदस्त डिवाइस है और 13,000 में तो यार वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विनायक मिश्रा बोलते हैं, भाई आज बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, लव यू भाई। भाई मुझे एक बात बताना यार, वीडियो में अभी बना रहा हूँ, क्वेश्चन आपने पहले पूछे तो आपको पता कैसे लगा कि मैं अभी ऐसा दिख रहा हूँ? वैसे जो भी लगा यार, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दीपू विश्वकर्मा बोलते हैं, Realme 3 Pro ऑफलाइन मिलेगा क्या और क्या प्राइस पॉइंट 14,000 होगी क्या फिर ज़्यादा ऑफलाइन में? 14,000 की प्राइस पॉइंट पे आपको मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन में मिलेगा लेकिन कुछ टाइम बाद मिलेगा, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आपको Flipkart और Realme.com पे ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुमन परल बोलते हैं, भाई Redmi Note 7 3GB वाला वेरिएंट क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं है? यस, मैंने आपका एक क्वेश्चन देखा तो मैंने चेक करा Flipkart पे सिर्फ 4GB वाला सेल हो रहा है। पता नहीं यार Xiaomi ऐसा क्यों करता, बहुत ही बेकार बात है। उन्होंने यहाँ पर खुद ही बोला था कि ओपन सेल में भी आपको 24/7 मिलेगा और 3GB वाले वेरिएंट को हटा दिए, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस था। इसके ऊपर मैं सोच रहा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, अब बनाऊँ या नहीं बनाऊँ मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुगाता पॉल बोलते हैं, भाई कैसे हो आप? भाई मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोले मैं आपकी वीडियोस रोज देखता हूँ, आप पर विश्वास भी पूरा करता हूँ। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि Realme 3 Pro का स्टॉक कितना रहेगा? भाई पहले सेल में 2.5 लाख यूनिट्स यहाँ पर सेल होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक है। और साथ में ये बोले मैं तो Realme 3 Pro लेने वाला था, है सही रहेगा ना? बाय द वे लव यू। डेफिनेटली यार आप परचेस कर लो, जबरदस्त डिवाइस है, एक्सीलेंट है इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट। और साथ में एक और चीज़ आपको मैं सजेशन दूंगा भाई, HDFC का फैमिली में या फ्रेंड्स में यहाँ पर लगाओ जुगाड़ के भाई क्रेडिट कार्ड एज वेल एज डेबिट कार्ड किसके पास भी है तो उससे परचेस करना, भाई आपको 13,000 में मिलेगा और 13,000 में अनबीटेबल परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटस किंग बोलते हैं, भाई मैं Redmi Note 7 लूँ या Realme 3, प्लीज माय क्वेश्चन, लव यू भाई।
डेफिनेटली रियलमी 3 यार, रेडमी 7 मुझे पता नहीं 9000 में 3GB 32GB कौन लेगा, रियलमी 3 फार बेटर डिवाइस एज कम्पेयर टू रेडमी 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आदित्य शिदोरे बोलते हैं यासर भाई आप कैसे हो, भाई मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। साथ में बोले मेरा सवाल ये है कि रेडमी 7 है किस प्राइस पर आएगा और शाओमी क्या इस बार अपना प्रोसेसर ऑक्टा कोर डालेगा। डेफिनेटली डाल सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, प्राइस पॉइंट वही आपको 5 से 6 हज़ार के बीच में ही देखने को मिलेगी। और ये बोले आपको क्या लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन पिक कर लिया संगली से आप, लव यू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हिमांशु कराटे बोलते हैं भाई स्नैपड्रैगन 710 में बजट हाईएस्ट रेजोल्यूशन HDR फुल HD प्लस है, स्नैपड्रैगन 600 फुल HD प्लस है, तो YouTube स्ट्रीमिंग में कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा यार, फुल HD पे आप दोनों फोन में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कल्याण चिंटू बोलते हैं भाई Realme 3 Pro में कैमरा अपडेट्स आते हैं क्या और वो कैमरा और भी इंप्रूव हो सकता है क्या? यस डेफिनेटली हो सकता है यार, मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग पे सेंसर तो उन्होंने बहुत ही कमाल का लगा दिया, पोस्ट प्रोसेसिंग जैसी रहेगी वैसे उनकी जो क्वालिटी है डे बाई डे इंप्रूव होते जाएगी, तो डेफिनेटली आपको कैमरा और इंप्रूव होते हुए दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रियांशु गुप्ता बोलते हैं भैया फ्यूचर में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर पॉपअप सेल्फी कैमरा अंडर 15,000 रुपीज में आ सकता है क्या? डेफिनेटली आ सकता है भाई, आज की डेट में कुछ भी आ सकता है, 15,000 में बेजल लेस डिस्प्ले आ सकता है डेफिनेटली, ब्रांड जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। साथ में बोले भैया मुझे बेस्ट कैमरे वाला फोन चाहिए, रेडमी नोट 7 प्रो ले लूँ या रेडमी मी A3 का वेट कर लूँ, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कोई 5G मोबाइल अवेलेबल है क्या? फिलहाल के लिए अभी इंडिया में कोई भी 5G फोन अवेलेबल नहीं है, बेस्ट कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए तो रेडमी नोट 7 प्रो परचेस कर लो, मी A3 आएगा तो भाई फिर और कोई फोन आएगा, तो आप वेट कब तक करोगे? डेफिनेटली आप नोट 7 प्रो के साथ में जा सकते हो, बहुत ही जबरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विपुल सिंह राजपूत बोलते हैं सर 17K में रेडमी नोट 7 प्रो 6GB वेरियंट लेना चाहिए या मी A3 का वेट करना चाहिए सर, प्लीज बताओ। अभी फिलहाल के लिए Redmi Note 7 Pro का 6GB वाला वेरिएंट ले लो, अगर आप वेट कर सकते हो तो एक महीने का वेट करो, बताया जा रहा है मई में Xiaomi का एक नया डिवाइस आएगा जो कि Mi 3 रहने वाला है Snapdragon 730 के साथ में, तो वेट कर सकते हो तो वेट करो, क्योंकि अभी अगर आपको अर्जेंट है तो डेफिनेटली Note 7 Pro भी परचेस कर सकते हो, 17,000 में वैल्यू फॉर मनी है 6GB वाला वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अबे बिश बोलते हैं भाई क्या Realme 3 Pro में COD अवेलेबल होगा उत्तराखंड के लिए फर्स्ट सेल, प्लीज रिप्लाई। देखो COD तो अवेलेबल रहेगा ये चीज़ मुझे कंफर्म है, लेकिन यह सेलेक्टेड पिन कोड में रहेगा, अब उत्तराखंड में होगा या नहीं होगा भाई ये चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, कौन सा पिन कोड है वो आपको भाई Realme को ही पता है, Flipkart को ही पता है, तो वो चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन COD सेलेक्टेड एरियाज में यहाँ पर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आरिफ हुसैन बोलता अस्सलाम वालेकुम भाई मेरा क्वेश्चन पिक करना, वालेकुम अस्सलाम और साथ में पिक कर लिया भाई, ये बोल रहे हैं अभी तक मेरा कोई भी क्वेश्चन पिक नहीं किया भाई, कर लिया भाई, आप अगर भी लेना हो तो आप अंडर 15K में कौन सा फोन लोगे, Redmi Note 7 Pro या Realme 3 Pro? तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं Poco F1 यूज कर रहा हूँ, दोनों में से कोई भी फोन परचेस कर लूंगा यार, दोनों ही मेरे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मुझे Realme 3 Pro बहुत ही जबरदस्त डील लग रही है और 1,000 चीपर भी अगर HDFC पे मिल रहा है तो मैं जाना चाहूंगा Realme 3 Pro के साथ में, बिकॉज ऑफ वुक चार्जिंग का यार मुझे बहुत ही कमाल की चीज लगी वो, और साथ में बोले और Mi A3 कब लॉन्च होगा, नेक्स्ट मंथ में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, लव यू फ्रॉम जम्मू कश्मीर भाई, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुजीत सरकार बोलते हैं भाई Asus का ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी बग्स और Asus ठीक करेगा या नहीं, Asus है ना भाई Zenfone Max Pro M1 में जब आया था जब से बग्स है अभी तक के बग्स है, कौन सा स्टॉक एंड्रॉयड है पता नहीं, और यहाँ पर ये बोल रहे Google का Pixel 3a का प्राइस कितना होगा भाई, 25 से 30 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, और प्रोसेसर क्या होगा, प्रोसेसर मिड रेंज का होगा Snapdragon 660 675 जैसे ही आपको देखने को मिलेगा, तो कोई इतना खास नहीं रहने वाला है, सिर्फ कैमरा वो फोन में आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर महेश परिया बोलते हैं ब्रो Realme 3 Pro में वो फास्ट चार्जिंग वो कितने का है और Redmi Note 7 Pro OTA अपडेट से सुपर स्लो मोशन आ सकता है क्या? यह सुपर स्लो मोशन आपको यहाँ पर Redmi Note 7 Pro पे भी देखने को मिल सकता है, प्रोसेसर कैपेबल है और सपोर्ट भी करता है, और साथ में Realme 3 Pro चार्जर यार अलग से पता नहीं कितने का आता है, महंगा ही आएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया 20 वॉट की चार्जिंग है, तो एक्जैक्टली मैं पता नहीं, पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चिराग इमरामपुरकर बोलते हैं Realme Redmi का कॉपी क्यों कर रहा है, क्या उनके पास उनका खुद के आइडियाज नहीं है? देखो भाई कॉपी नहीं है, कंपटीशन चल रहा है तो कंपटीशन को टक्कर दे रहे, तो हम कंज्यूमर लोग का ही फायदा है, कॉपी तो नहीं है यार, डिजाइन अलग है सारी चीजें अलग अलग है, तो कॉपी ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं बोल सकते हो, ठीक ठाक कर रहे यार जितना कॉम्पिटिशन है, मैं तो चाह रहा हूँ भाई Asus हो ऑनर हो वो लोग भी ऐसे फोन लॉन्च करें ताकि हमारा फायदा हो,
जितना अच्छा कॉम्पिटिशन रहेगा उतना हमें सस्ते में अच्छे अच्छे फोन देखने को मिलेंगे। तो ये चीज यार अपने दिमाग से हटा दो। और साथ में पोको एफ टू की प्राइस क्या हो सकती है, एनी गेसेस? डेफिनेटली यार 20 से 25 हज़ार के बीच में आपको इसका बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जीहान पटेल बोलते हैं, हेलो भाई, रियलमी 3 प्रो में 8GB और एवेंजर एडिशन कब आ रहा है भाई और प्राइस क्या होगी बताना, लव यू फ्रॉम मुंबई, लव यू टू फ्रॉम मुंबई। और साथ में यहाँ पर रियलमी 3 प्रो आपको जो एवेंजर एडिशन और 8GB वाला आपको मई में देखने को मिलेगा, कन्फर्म है। प्राइस पॉइंट मतलब थोड़ी ज़्यादा रहेगी यार, मतलब 17,000 में तो आपको नॉर्मल वाला मिल रहा है, वो आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टर राव बोलते हैं, ब्रो विच इज़ बेटर MIUI वर्सेस स्टॉक एंड्रॉइड, दोनों ही बेटर है, आपको कौन सा UI पसंद आता है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। वैसे मेरा पर्सनल यहाँ पर अगर मेरी बात करूँ तो मुझे यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड इतना मज़ा नहीं आता है। हाँ, क्लीन इंटरफेस ज़रूर रहता है, लेकिन जो फीचर्स है जैसे कि डुअल एप्स हो गया और बहुत सारे फीचर्स है जो कि आपको MIUI में देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो पर्सनल फेवरेट मेरा MIUI है बिकॉज ऑफ कस्टमाइजेशन। स्टॉक एंड्रॉइड यार मुझे इतना खास नहीं लगता है, हर चीज़ डाउनलोड करो और इतना मतलब मज़ा नहीं आता है, तो मेरा हिसाब से तो MIUI बेटर है। बाकी आपका फेवरेट UI कौन सा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे, आई होप कि मैंने आप लोगों का बराबर से जवाब दे दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई होप कि मुझे सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।